हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल एनसीईआरटी साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर टू लेके आई हूँ। और चैप्टर वन हमने कंप्लीट करा लिया था, सैंपल टेस्ट पेपर भी मैंने दे दिया था। और आप पीछे जाके मेरे प्ले बॉक्स से, अगर नहीं मिला हो तो पीछे प्ले बॉक्स उसमें मैंने प्ले बुक में अपने यूट्यूब पे उसके नाम से सेव कर रखा है, सैंपल पेपर्स के नाम से, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और आगे हम नाइन्थ का सेकेंड चैप्टर लेके आ रहे हैं, जो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है, और हम उसे देखेंगे और पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए, क्योंकि मेन सिलेबस आपका एनसीईआरटी ही है। साइड बुक तो केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम फिर आगे चले। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका सेकेंड चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है? प्योर का मतलब, प्योरिटी का मतलब क्या होता है इसमें, तो हम देखते हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेज, मिनरल वाटर और जूसेस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। हम कैसे जज करते हैं कि ये चीजें प्योर है? हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैकेट ऑफ द कंज्यूमेबल? कंज्यूमेबल जिसको हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो उसमें, उसके पैकेट में प्योर लिखा होता है। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्टरेशन। प्योर मीन्स मतलब जिसमें मिक्सिंग ना हो। अगर घी ले रहे हैं तो उसमें प्योर काउ का घी हो, कोई और प्रोडक्ट ना हो। अगर सॉल्ट ले रहे हैं तो वो प्योर हो। तो हम इसमें देखेंगे, बट फॉर साइंटिफिक ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। बट साइंटिफिक के नजर में, साइंस के नजर में ये सारे मिक्सर्स हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंस से बने हैं और प्योर नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि मिक्सर है और ये प्योर नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सर ऑफ वाटर। मिल्क क्या है? वाटर में मिक्सर है, फैट का है, प्रोटीन का है, इन सब का मिक्सर है। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particle of that substance are the same in their chemical nature. अगर केवल हम pure की बात करें, अगर scientific उसमें figure में हम pure की बात बोले, तो pure वही matter होगा जिसमें कि पूरे, अगर milk है मान लीजिए, तो milk का same तरह का particle होगा। लेकिन आपको पता है कि milk में fat भी है, protein भी है, तो protein का particle अलग होता है, fat का particle अलग होता है, और वाटर तो है ही, तो वाटर का पार्टिकल अलग हो गया, तो ये प्योर नहीं हुआ। और जैसे वाटर है, तो वाटर में तो पूरे वाटर के ही पार्टिकल रहेंगे एक जैसा, तो वाटर अपने आप में प्योर है, बट अगर वो मिल्क के साथ मिक्स हो जाता है तो वो प्योर नहीं रहता है अब, ठीक है? तो इस तरह बहुत सारी चीजें, अगर सेम पार्टिकल है पूरे कंटेनर में, सेम तरह का पार्टिकल है, एक ही तरह का, तो वो प्योर है। जैसे कि आपका सॉल्ट हमने लिया, सॉल्ट क्या होता है, पीछे बताया भी था मैंने, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड अगर एक चम्मच लेंगे, एक स्पून लेंगे, नमक लेंगे, तो पूरे स्पून में केवल सोडियम क्लोराइड ही रहेगा, ठीक है, और दूसरा चीज नहीं होता है। तो उस साइंस के नजर से वो प्योरिटी के फॉर्म में आएगा। लेकिन हम देखते हैं, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, या सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होता है। सिंगल टाइप का मतलब हो गया कि एक ही तरह का, जैसे कि अगर सोडियम क्लोराइड है तो चारों तरफ सोडियम क्लोराइड ही पूरे कंटेनर में रहेगा। इन अदर वर्ड, अ सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। कोई सब्सटेंस प्योर कब है? जब वो मैटर का सिंगल फॉर्म है। क्या है? सिंगल फॉर्म है मैटर का। मैटर क्या होता? मैटर वो चीज है जो ऑब्जेक्ट है जो अपना वेट रखती है और अपना जो है स्पेस कवर करती है। तो हम देखते हैं, एज वी लुक अराउंड वी कैन सी द मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट। जो अगर हमने देखा कि अगर हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं तो वो मिक्सर के फॉर्म में ही मैक्सिमम केस में मिलते हैं। जैसे कि एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने घर में मिक्सर देखा है, खाया भी होगा, तो वो मिक्सर एग्जैक्टली क्या होता है? बहुत सारे कंपोनेंट को मिला के हम बनाते हैं। उसमें आपको सेवैया भी होगी, मूंगफली भी होगी, दाल भी होता है, और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं। जब सारे प्योर मटेरियल मिलके इकट्ठे हो गए तो वो मिक्सर हो गया, ठीक है? तो घर में जैसे आपने मिक्सर देखा हुआ है, तो वो क्या है कि आप हर तरह का मटेरियल है। लेकिन अगर वो चने का दाल है, अगर चने के दाल जो उसमें मिला है मिक्सर में, अगर उसको हम सेपरेट करें, मूंगफली को सेपरेट करें, तो वो अपने आप में क्या है? वो अपने आप में प्योर है, ठीक है?
लेकिन वो जब एक साथ मिल जा रहे हैं तो वो मिक्सचर हो जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल सी वॉटर मिनरल सॉइल इटीसी आर मिक्सर, ये सारे मिक्सर है. ठीक है, सी वॉटर में भी सॉल्ट होता है तो वो मिक्सर है. वॉट इज मिक्सर? मिक्सर का मतलब है बहुत सारे चीजों का मिक्सिंग होना. बहुत सारे प्योर सब्सटेंस जब मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या होता है, मिक्सचर होता है. मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय द मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इसको बहुत समझने में टाइम लगता है. मिक्सर क्या है कि मिक्सर आर कंस्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के वन काइंड से बनता है. जैसे कि अगर हमने फिर मैंने मिक्सर की बात बोली, अगर फिर मैंने मिक्सर की बात बोली, मिक्सर बना रही हूँ मैं, ठीक है, तो जब मैं मिक्सर बना रही हूँ फिर से, तो उसमें क्या हुआ, अगर उस मिक्सर में मान लीजिए मैंने दाल डाला और सेवैयां डाली और मूंगफली डाला, बहुत सारी चीजें डाली, तो क्या हुआ, बहुत सारी चीजें मिक्स होके इकट्ठी होके मिक्स हो रही हैं, बट वो क्या है, सारी चीजें तो प्योर फॉर्म में है बट वो जब मिक्स हो गई तो मिक्सर बन गया. ठीक है, वी नो दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वॉटर बाय द फिजिकल प्रोसेस. आपको पता है सोडियम क्लोराइड को हम फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. तो मिक्सर क्या होता है, जिसको फिजिकल प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं, मतलब जिसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं करना है, केमिकल प्रोसेस की जरूरत नहीं है. तो आपको पता है ना कि अगर सॉल्ट आपको वाटर में डिजोल्व है, तो आपने दांडी यात्रा गांधी जी की सुनी होगी, तो उन्होंने भी इवेपोरेशन करके क्या किया, इवेपोरेशन करके अलग किया नमक को सी वाटर से. तो आप बस एक एग्जाम्पल याद रखिए कि वाटर जो है, सी वाटर एक मिक्सर है जिसमें से कि हम सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करते हैं, और सोडियम क्लोराइड अपने प्योर फॉर्म में है. ठीक है, लेकिन जब वो सी वाटर के साथ है तो मिक्सचर है. तो ऐसे ही हमने क्या देखा कि हम जब सी वाटर को हमने इवेपोरेट किया तो सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर लिया. तो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या है, आपका सिंपल फिजिकल प्रोसेस है. इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए आप ध्यान रखिए केमिकल प्रोसेस की जरूरत नहीं है. अगर हमने मिक्सर घर में लिया है तो हम अगर चाहें तो उसमें से दाल को अलग कर सकते हैं, मूंगफली को अलग कर सकते हैं बाय हैंड पिकिंग. तो ये हमारा क्या है, फिजिकल प्रोसेस है. तो मिक्सर को हमेशा आप ध्यान रखिए फिजिकल प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप ये बात समझ में आ गई कि फिजिकल प्रोसेस क्या है, जिसको हैंड पिकिंग से या छोटे मोटे प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो उसको हम मिक्सर बोलते हैं. आप घर में ही मिक्सर को देखिए, आप इजिली सेपरेट कर लेंगे. उसके बाद है हाउ एवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एज कैन नॉट बाई सेपरेट बाई फिजिकल प्रोसेस. हाँ, लेकिन अब सोडियम क्लोराइड को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं. अब सोडियम क्लोराइड को हम सोडियम और क्लोरीन में इजिली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, उसमें बॉन्डिंग हो चुकी है और बहुत स्ट्रांगली पैक है उनके मॉलिक्यूल एटम्स. तो हम सोडियम क्लोराइड को नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सोडियम क्लोराइड को वाटर से या कहीं से सेपरेट कर सकते हैं. सिमिलरली शुगर, तो क्या हुआ, वाटर, वाटर में हमारा सोडियम क्लोराइड जो मिक्स है, तो वाटर भी प्योर फॉर्म में था, H2O, वाटर के मॉलिक्यूल में हर जगह H2O होगा, तो वो वाटर भी अपने आप में अगर केवल सेपरेटेड प्योर वाटर है तो वो भी आपको फिजिकल मतलब कि प्योर है. और सोडियम क्लोराइड जो वाटर में मिला हुआ है जिसको हमने सेपरेट किया, अब सोडियम क्लोराइड भी अपने आप में प्योर है. लेकिन जब दोनों एक साथ मिल गए, सोडियम क्लोराइड और वाटर, तो वो खारा पानी, नमकीन पानी हो गया. और क्या हो गया, उसको हमने कोई नाम भी दिया था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हमने क्या नाम दिया था, ब्राइन नाम दिया था. ठीक है, पिछले लेसन में. तो वो फिर मिक्सचर है. शुगर इज सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर. आपको पता है शुगर में भी C6H12O6 के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो भी अपने प्योर फॉर्म में है. क्यों? क्योंकि अब हम शुगर के एक एक पार्टिकल से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं हटा सकते हम, और इसका कंपोजिशन जो है पूरे कंटेनर में सेम रहेगा. सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट अ सिंगल प्योर सब्सटेंस. आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक में वाटर, शुगर, गैस, बहुत सारी चीजें लगती है, तो ये प्योर नहीं हुआ. ठीक है, हाँ, उसमें जो वाटर है वो अपने आप में प्योर है, उसमें जो शुगर डला है वो अपने आप में प्योर है, लेकिन
जब बहुत सारे प्योर सब्सटेंस को मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है हमारा, जैसे आपके घर में खाने वाला मिक्सचर है। अब उससे आप सोचिए और उसको याद कीजिए। Whatever the source of a pure substance may be, it will always have the same characteristic of property. चाहे आप कहीं से भी लीजिए इस pure substance को, नमक, sodium chloride को, चाहे हम इंडिया का नमक ले, चाहे अमेरिका से उठा के लाए, लेकिन नमक में sodium chloride ही होगा चाहे कहीं का होगा। तो उसका एक क्या है, sodium chloride NaCl से बना है, तो एक Na है तो एक Cl लगा है, तो वो fix रहेगा ratio, ठीक है। और बाकी आपका जो है, जैसे सॉइल है, सॉफ्ट ड्रिंक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक का रेशियो भी हर कंट्री में चेंज हो सकता है। सॉइल आपके तो घर के नीचे ही, दूसरे घर में जाएंगे उनका सॉइल का चेंज हो जाता है, पर वाटर का और इन सब में एक फिक्स रेशियो है, वो चेंज नहीं होता है। तो क्या है, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम सॉइल कहीं का भी ले तो वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अगर नमकीन लगेगा तो नमकीन ही लगेगा। इसी तरह शुगर लेंगे तो मीठा है तो मिठाई है। तो ये हमारा क्या है, मिक्सर। देयरफॉर वी कैन से द मिक्सर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात है, मिक्सर मोर देन वन प्योर सब्सटेंस को कंटेन करता है। कैसे कर रहा है ये, मैं आपको हमेशा एग्जांपल दे रही हूँ कि अपने घर में आप मिक्सर को देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई है, हर चीज अपने आप में, मतलब दाल भी अलग कर दो तो दाल अलग करेंगे तो दाल के अंदर दाल के ही सारे पार्टिकल होंगे, मूंगफली किया तो मूंगफली के ही पार्टिकल निकले। एक ये समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, वैसे तो वो बहुत चीजों से बना है पर मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे प्योर चीजों को मिला दिया तो वो मिक्स हो गया और वो मिक्सर हो गया, ठीक है। अब हमारा हो गया टाइप्स ऑफ मिक्सर। टाइप्स ऑफ मिक्सर क्या है, डिपेंडिंग अपन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सर। तो ये वीडियो मिक्सर को हम समझाने वाला वीडियो यहीं तक देखेंगे। टाइप्स ऑफ मिक्सर मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी ताकि ज्यादा लेंदी ना हो, और तब तक समझते रहिए, पढ़ते रहिए, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग और देख